संबल जनपद के चंदोसी में योगी सरकार के बूचड़खाने बंद करने के आदेश आने के बाद मीट का व्यापार करने वाले लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश है। उनका कहना है कि सरकार का यह आदेश मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ है। उन लोगों का यह भी कहना है कि जिनके पास लाइसेंस है उन लोगों के लाइसेंस पुनः जारी किए जाए, जिससे कि हम लोगों के रोजगार पर किसी प्रकार का संकट नहीं आए। ये जो सरकार का शासन आदेश आया है जो मीट की दुकानें बंद कराएगी जब लाइसेंस नहीं है, आप लोगों की दुकानें बंद है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे परेशान हैं, हम बहुत कारोबार से परेशान हैं, हमारे की बहुत परेशानी है। लाइसेंस है सब पे, रिन्यू नहीं है 2016 के बाद। आपने रिन्यू क्यों नहीं कराए? नगर पालिका में गए थे, नहीं करे किसी ने। क्या कह दिया आपसे? बोले अभी सलेक्टर हाउस बंद है, किस आधार पर करें? चुनौती में नगर पालिका में जो हमारा फ्लाट हाउस था वो पहले से ही बंद है, पर्यावरण से संबंधित मानक पूरे ना होने के कारण वो पूर्व में ही जो है सील किया है। सर, चंदोसी में कितनी दुकानें हैं जो मीट बेचते हैं रोड पर और उन पर लाइसेंस नहीं है या है? चंदोसी में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई लाइसेंस इशू नहीं है, इसलिए सभी दुकानें जो हैं बिना लाइसेंस के हैं। सर, डिपार्टमेंट उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई करेगा? क्योंकि वो कई सालों से वो लोग मीट बेच रहे हैं खुलेआम और लाइसेंस नहीं है उन पे चालान की कार्रवाई की जाएगी और पुलिस को सूचित करा जाएगा। सर, अब तक आपने क्या कार्रवाई की इन लोगों के खिलाफ? हमारे पास लाइसेंस जब हमने इशू नहीं किया, हमारे पास आए थे लाइसेंस, अगर कोई आएगा आवेदन तो उसके ऊपर विचार करा जाता है, और जो रही बात कार्रवाई की तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा फ्लैट हाउस एक दो बार किसी ने कोशिश करी कि उसका ताला खोल दिया जाए तो हम उसके जो है सहमत नहीं होते, और हम अपना फ्लैट हाउस तक सीमित रहते हैं, हम अपने सिलेंडर हाउस को जब तक मानक पूरे नहीं होंगे चलने नहीं देते। सर, अभी कई जगह ये पता लगाया कि सिलेंडर हाउस के दरवाजे के आगे दीवार लगा दी गई जिससे कि दोबारा खोल ना पाए, ये परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। यदि हमारा भी ऐसी परिस्थिति बनेगी तो दीवार बनाई जाएगी, और अगर दीवार भी टूटेगी तो लोहे की दीवार बनाई जाएगी। ये तो विषय सुरक्षा का है, जो सील्ड है वो सील्ड रहना चाहिए। सर, मीट की दुकान अवैध रूप से 20 साल से चल रही थी, तो अब तक आपके डिपार्टमेंट ने कभी देखा ही नहीं इनकी तरफ, इन पर लाइसेंस है या नहीं? समय समय पर लाइसेंस इशू हुए हैं। कब? वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं हुए, पहले हुए। आप कितने सालों से नहीं है? 1/4/2016 से नहीं है। उसके बीच में कोई कार्रवाई नहीं की डिपार्टमेंट ने कि लाइसेंस क्यों इन लोगों ने क्यों तेरे से मिला दी लाइसेंस की, क्यों उन्होंने नहीं बनवाया? इसमें मैं देख के बताऊंगा अभी लोगों को। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो सरासर मुसलमानों के साथ जाचती है, जो मीट का काम करने वाले हैं उनके साथ बहुत बड़ी जाचती है। समझे, इनके पास लाइसेंस होने के बाद समझे इनका रिन्यू नहीं करा गया, इनका हाथा बंद कर दिया गया, इससे कई खोमचे वाले मीट के काम से जो जुड़े हुए हैं समझे वो बहुत परेशान है। कम से कम 5,500 आदमी यहाँ पर परेशान कर रहा है, जिसका ये निर्णय निकलता है कि सड़कों पर रहेंगे तो ये करेंगे क्या? अच्छा, अभी बताया गया है कि आप लोगों पर लाइसेंस नहीं है, आपका जो हाथा था उसका भी लाइसेंस नहीं था, तो इसलिए बंद कराया गया है? इनके पास लाइसेंस है समझे, सभी के पास है लगभग, लेकिन ये जाति पाति के ऊपर ये सारे काम करे गए हैं समझे। ये लोग गरीबी से इकट्ठे होंगे, SDM साहब के पास भी गए थे समझे, नगर पालिका में योग साहब के पास भी गए थे, उन्होंने ये कहला दिया कि आपका खाता जब तक नहीं खुलेगा, जब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा तो ये मजबूत करें क्या? परेशान है, ये आजाद है।